आज आपके सामने एक दर्द लेकर के हाजिर हुआ हूँ कहीं ना कहीं ये जो दर्द है ये जो टीस है आपके भीतर भी होगी ये जो दर्द है वो आपका भी दर्द है तब मैं आपसे अर्ज करूँगा आप, आप लोगों ने राजनीति में हिस्सा लेकर के इस देश को बचाना है आपने इस देश के अंदर जो मानवता जो मानव संवेदनाएँ ख़त्म हो रही हैं ना उनको बचाने का काम आपने करना है आप गरीबी झेल रहे हैं आप परेशानियां झेल रहे हैं आप कोई रोज़गार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बैंक आपको लोन दे दे लेकिन इतनी सारी औपचारिकताएं हैं और ऐसी ऐसी औपचारिकताएं हैं जिसे एक ज़रूरतमंद वास्तव में ज़रूरतमंद व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता आप न्याय लेने के लिए चले जाएँ शासन प्रशासन पुलिस कानून कहीं आपको न्याय नहीं मिलने वाला क्योंकि आप प्रभावशाली नहीं हैं आप बलशाली नहीं हैं आप धन बल के मालिक नहीं हैं अभावग्रस्त जीवन जीते हुए रोते धोते रहते हैं और जिंदगी भर आपका रोना आपके आंसू कभी खत्म नहीं होने वाले इन सब के पीछे क्या कारण है आपने कभी सोचा है आप एक मतदाता हैं आप गुलाम नहीं हैं किसी के आप मालिक हैं और ये जो देश है ना इस देश की सत्ता के आप मालिक हैं और आपकी वोट ऐसे व्यक्ति को सत्ता के गलियारों तक तो पहुंचा देती है वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए ऐसे ऐसे व्यक्ति सत्ता के गलियारों पर आपके सरमाथे पे बैठ करके आपको ही दरकिनार कर देते हैं आपको ही भूल जाते हैं आपकी तमाम बातों को आपकी तमाम समस्याओं को वो नज़रअंदाज कर देते हैं और आप उन्हें शरमाते हुए बिठाते हैं कि तो उसको सम्मान देते हैं जबकि वो जूते खाने के लायक आदमी है हमारे देश के अंदर कानूनों को पाँव पे रख कर फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है कोई इधर से लात मार दे रहा है कोई उधर से लात मार दे रहा है एक के बाद एक तमाम कानून जो जनहित के कानून हैं समाप्त कर दिए जा रहे हैं आज कुछ बुद्धिजीवी वर्ग चिंता करने लगे हैं और उन्हें भी लगने लगा है चाहे वो वकील हों चाहे वो जज हों चाहे डॉक्टर हों चाहे वो इंजीनियर हों चाहे वो कितने ही बड़े नेता हों एन चलाते हों चाहे वो कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हों लेकिन अकेले अकेले सब व्यक्ति अपने आप को असहाय और कमज़ोर मानते हैं चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हों इस देश की सत्ता पे ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो जनहित करना ही नहीं जानते हैं जनहित उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है और जो जनहित के नाम पर जन अहित करे जा रहे हैं एक के बाद एक एक के बाद एक और हैरान तो मैं इस बात को लेकर के हूँ कि ऐसे लोगों की भी बातों में वो समझदार लोग चले आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं वो समझदार लोग उनकी बातों में क्योंकि उनका कोई निजी स्वार्थ है मतलब लालच है उनका और जो कोई भी निजी लालच में फंस कर के अपने समाज का अपने देश का इंसानियत का मानवता का दुश्मन बन जाए वो आपका हमारा कभी दोस्त कैसे हो सकता है आप सोचिए इस भारत देश का जो इतिहास है इस देश को बुद्ध की वजह से पहचाना जाता है और महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ऐसा संदेश दे गए हैं जिस जिनके संदेशों को मान के उनके देश विकसित देश कहलाते हैं और हमारा देश आज भी विकासशील देश है आज भी हम विकास ढूंढ रहे हैं और विकास हमें जुमलों में दिखाया जाता है विकास हमें आज मीडिया अपने नज़रिए से दिखाती है आज सर्वनाश को ही विकास बताया जा रहा है, है ना विडम्बना और हमारे लोग जय जयकार उनकी करते हैं जिन लोगों ने इस देश को समूल नष्ट करने का संकल्प ले रखा है अपने पाँव से रोंद डाला हो चमन जिसने वही वादा कर रहे हैं इस चमन के रहनुमाई का सरकारें भी आज वादे कर रही हैं चाहे राज्य सरकार हो केंद्र की सरकार हो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश के अंदर इतना ख़तरनाक सिस्टम आज हमारे देश पर काबिज है जो धीरे धीरे इस देश के तमाम आधार स्तूपों को ख़त्म कर दे रहा है आधार स्तंभों को गिरा दे रहा है आधार स्तंभों को कमज़ोर बना रहा है एक के बाद एक कानून ख़त्म किए जा रहे हैं शिक्षा को पूरी तरीके से ख़त्म करने का जो प्रयास चल रहा है चाहे वो स्कूलों को मर्ज करने की बात हो चाहे वो रोज़गार को खत्म करने की बात हो चाहे देश को निजी हाथों में सौंपने की बात हो देश के तमाम संस्थानों को बेच देने की बात हो या पुलवामा का कांड कराने के बाद में सत्ता पे काबिज होने के लिए ई का दुरुपयोग करने की बात हो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश के तमाम लोग जानते हैं तमाम बुद्धिजीवी जानते हैं लेकिन हमारे जो मतदाता हैं उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो गोदी मीडिया इन लोगों के अंदर कौन लोग चले गए हैं उन्हीं लोगों के गुर्गे इनके अंदर मालिक हैं इम्प्लॉयी हैं और वो सब पूरे देश को गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं यानी कि एक तरीके से देशद्रोह का जो काम कर रहे हैं पूरा का पूरा देश आज भ्रमित है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है आज हम भ्रमित हो चुके हैं ऐस भ्रम की स्थिति पहुंचा दी गई है इसके पीछे कौन है षड्यंत्रकारी लोग ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो कभी नहीं चाहते थे कि इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो क्योंकि जब देश गुलाम था तो एक स्थिति ऐसी भी थी कि इस देश में सभी ग़ुलाम थे लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गुलामों के भी ग़ुलाम थे जो देश में ग़ुलाम थे उनको तो आज़ादी मिल गई लेकिन जो देश में वो गुलामों के भी गुलाम थे वो लोग आज भी आज़ादी के लिए तरस रहे हैं मनोवाद को मानने वाले किसी भी व्यक्ति की बात करें तमाम लोग किसी भी शर्त पर अपनी जान देना तो पसंद करते हैं लेकिन जो लोग ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं उनको गुलामी से आज़ादी देने की बात नहीं करते हैं इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो देश के महापुरुष हैं हम अपने महापुरुषों को जानने का प्रयास करें हम अपने देश के वास्तविक इतिहास को समझने की कोशिश करें हमको तर्कशील बातों पर विश्वास करना चाहिए ऐसे ही कोई मनगढ़ंत बातों को कह डाले उसकी कही हुई बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी हो उसकी तह तक जाएं आप उसकी सच्चाई तक पहुँचें आप विचार तो करें आप कि कोई क्या कह रहा है एक आदमी कहता है कि कोई हिरण से पैदा हो गया कोई कान में से पैदा हो गया कोई नाक में से पैदा हो गया और कोई मैल से पैदा हो गया कोई घास फूस से पैदा हो गया ये सब क्या बकवास है कोई मछली के पेट से पैदा हो रहा है कोई कीड़े के की पेट कोई चूहे की सवारी कर रहा है ये क्या सब बकवास है ये क्या एक समझदार व्यक्ति इन सब चीज़ों को मानेगा बिना गर्भ के लोग पैदा हो रहे हैं उनको ज़रूरत ही नहीं है कोई छींक मार दे तो बच्चा पैदा हो जा रहा है ये सब क्या है मनुष्य ऐसा मूर्ख आदमी बना दिया गया इतना भयभीत कर दिया गया मनुष्य कि आज मनुष्य अपने स्वभाव को भूल चुका है आज मानवीय संवेदनाएं तमाम तरीके से ख़त्म कर दी गई हैं आज लोग पीड़ा में हैं लेकिन जिस पीड़ा में हैं उस पीड़ा के कारण में जाकर के उसका निवारण ढूंढने का प्रयास नहीं करते बल्कि जिन लोगों ने ये समस्याएं पैदा की उन्हीं लोगों की गुलामी में बड़े सुख की अनुभूति करते हैं यह तो बड़ी हैरानी की बात है मुझे ये नहीं ये हर एक बुद्धिजीवी की चिंता का विषय है इस देश को कुछ लोग कुछ षड्यंत्रकारी लोग किस अवस्था में लेके जाना चाह रहे हैं और वो सफल हो रहे हैं हम आज राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो इस देश के अंदर जब देश ग़ुलामी झेल रहा था तो आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने में अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी कभी इस देश के लिए कुर्बानी देने की सोची भी नहीं बल्कि इस देश के साथ गद्दारी करने का काम किया और जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी की जिन्होंने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों की मुखबरी की वो लोग आज देशभक्त बताए जा रहे हैं हमारे इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है एन की पुस्तकों में ऐसा इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि हम कभी भी अपने वास्तविक इतिहास को नहीं जान पाएंगे हमारे देश से हमारे देश की मूल संस्कृति को समूल नष्ट किया जा रहा है आप सच लिख कर देखो आपको ऐसा मिटा दिया जाएगा जैसे कभी थे ही नहीं सच बोलना यहाँ गुनाह हो गया तमाम सब पार्टियाँ हैं कि किनकी हैं पार्टी ऐसे मनुवादी लोगों की पार्टी बन गई हैं जो आपस में तालमेल बनाए हुए हैं गुप्त रूप से लेकिन जनता के सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे एक दूसरे की दुश्मन है और ऐसा शो करती हैं ऐसा बताती हैं कि वे इस देश की इस देश की हितेशी पार्टियां हैं लेकिन नहीं इस देश की हितेशी पार्टियां ये कभी नहीं थी ना आज है ना पहले थी ना आगे कभी भविष्य में होंगी इसलिए आज मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ये देश हमारा है हम सभी देशवासी एक दूसरे के अपने हैं हमें आपस में नफ़रत करना छोड़ना होगा हमें हर प्रकार के भेदभाव से दूर रहना चाहिए हमारी जाति कौन सी है हम मनुष्य जाति के हैं हमारा धर्म है कौन सा हमारा धर्म इंसानियत है और जिसकी मनुष्य जाति हो और इंसानियत धर्म हो उसको किसी भी अन्य जाति की किसी भी अन्य धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को धर्म खतरे में है ऐसा कह करके उकसाया जाता हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे राजनीतिक फ़ायदा किसे पहुंचने वाला है कौन है जो धर्म का जाति का मनुष्य का मनुष्य से कौन है जो दुश्मनी करा करके फ़ायदा लेना चाहता है आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा कि ये वही पार्टियां हैं जिनको हम मनुवादी पार्टी कहते हैं मनुवादी विचारधारा के लोग कहते हैं ये वही सब लोग दुश्मन हैं की जो बात की जा रही है इस सब एक षड्यंत्र है इस सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है सिर्फ सत्ता पाने के लिए तुम किसी को मारो या तुम्हें कोई मारे लेकिन फायदा केवल उन्हीं को होगा जो षड्यंत्र रच रहे हैं। राजनीतिक हस्ती का कोई व्यक्ति जनहित के लिए कुर्बान हुआ हो कोई भी नहीं मिलेगा आपको कोई बड़े घर का ऐसा बेटा जो बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति की औलाद हो उसने जनहित के लिए विदेशों से पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनकर आया हो और जनहित में किसी के लिए गरीब के लिए अस्पताल खोला हो कोई व्यापार खोल दिए हो, कोई व्यापारिक संगठन बना दिए हो, कोई आर्थिक लाभ पहुंचा दिया हो किसी की गरीबी दूर कर दी हो किसी की अशिक्षाएँ दूर कर दी हो किसी को संपन्न बनाया हो नहीं एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा इस देश के अंदर इतनी तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर कोई किसी की मदद करके राजी नहीं है हमारे देश में कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है सब अपनी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं सब के सब लोगों को सब्जबाग दिखा करके केवल और केवल सत्ता पाने के लिए भूखे भेड़े की तरह लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और बाद में क्या कहते हैं ये तो जुमला था देशवासियों आप सब लोग एक जागरूक मतदाता बने राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने के लिए ललायत ना रहें व्यक्ति भी तो देखें आप क्या आप उसे जानते हैं जिसको आप वोट दे रहे हैं क्या सच में जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपके सपनों का भारत या आपके सपनों का क्षेत्र बना सकने में सक्षम है पैसों से मत तो उसे हो सकता हो कोई सब्जी बेचने वाला निर्दलीय खड़ा हो या किसी ऐसी पार्टी से खड़ा हो गया हो जिस पार्टी के बारे में लोग कहते हैं कि ये पार्टी तो कभी नहीं जीतेगी तो ये सब चीज़ें ना सोचें आप ये सोचें कि आपके आसपास का वह व्यक्ति खड़ा है जो सचमुच में जनहित के लिए कुछ भी कर सकता है सचमुच में उसके अंदर त्याग की भावना है सचमुच में उसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है पूरी तरीके से सक्षम है वो योजना बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है वो आपके लिए लड़ मरने के लिए उसके अंदर कुर्बानी की भावना समर्पित देश के प्रतिभावना मानवता की भावना अगर नहीं है तो वह व्यक्ति किसी भी तरीके से आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता आपका नेता नहीं हो सकता आजकल इस देश के अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है लोग समझने लगे हैं मतदाता जागरूक हो रहे हैं ख़ासकर एस सी एस और माइनॉरिटी के लोग क्योंकि तो इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा प्रयोग हर एक राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं और बाद में इन्हीं को फुटबॉल की तरह लात मार के एक साइड कर दिया जाता है और पाँच पाँच साल तक राजनीतिक दल इनको लात मारने का काम करते हैं तो हे मतदाताओं आपको फुटबॉल नहीं बनना है आपको जागना है और ये एहसास कराना है कि मतदाता फुटबॉल नहीं है एस सी एस टी ओ बी सी दरिया बिछाओ भीड़ इकट्ठी करो नीचे लेवल पर रहो ऊपर लेवल पर मत रहो ऐसे ऐसे पदों पर रहो जो प्रभावशाली नहीं है तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो मनुवादी पार्टियाँ हैं वो यही सब कर रही है और आपको आपके हकों से वंचित रख करके वो लोग सत्ता की मलाई चाटने काम कर रहे हैं और इस देश को ग़ुलामी की तरफ तेज़ी से धकेलते हुए चले जा रहे हैं आज हम इस दौर में हैं कि देश खतरे में है हमारे देश का संविधान खतरे में है और हम सब लोगों के हक और अधिकार खतरे में यह लोकतंत्र खतरे में है आज हम सब लोगों को जाग जाना चाहिए और सोचना चाहिए अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है कि कभी भाजपा कभी कांग्रेस कभी भाजपा कभी कांग्रेस तो अब क्या हुआ है कि जब पहले नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी उभरने लगी आगे आने लगी तो इनको खतरा पैदा हो गया कि अब कांग्रेस और बीजेपी नहीं होगा अब तो पूरा देश जो है एक बार मौका देगा बहुजन समाज पार्टी को इसलिए आम आदमी पार्टी को इन लोगों ने बहुत ही साजिश के तहत और अचानक पैदा किया ये एक साजिश है आपको इनकी तमाम साजिशों को समझना होगा बहुजन समाज पार्टी यानी कि क्या बीएसपी यानी कि क्या भारत के तमाम मूल निवासी मूल निवासी मतलब जो इसी देश के रहने वाले हैं विदेश से आए हुए नहीं हैं लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं और ऐसे कौन लोग हैं इस देश के मूल निवासी कौन है एस सी एस टी ओ बी सी और धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोग आज सभी पार्टियाँ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने लगी हैं बौद्ध का नाम लेने लगी हैं शहीद भगत सिंह का उधम सिंह का नाम लेने लगी हैं तमाम जो भारत के जो वास्तविक मूल निवासी हैं मूल निवासी महापुरुष हैं संत हैं शहीद हैं उनके नाम आज सभी राजनीतिक दल और पार्टी लेने लगे हैं क्यों क्योंकि वो एस सी और माइनॉरिटी के अलावा सिर्फ़ अपने दम पर ना तो वो राजनीतिक दल में पंच बन सकते हैं ना सरपंच बन सकते हैं ना ही विधायक और ना पार्षद ना ही मंत्री संतरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ नहीं बन सकते आप लोग जाग जाइए क्योंकि हमारे दम पर ही आपके दम पर ही ये देश के अंदर तमाम सत्ता के तमाम पद भरे जाते हैं तमाम इस पद पर आसीन होते हैं आपकी एक वोट से जीत करके और हमारा वोट केवल नोटों के लालच में केवल शराब के लालच में केवल छोटे से स्वार्थ के लालच में अगर किसी भी घोड़े गधे को चला गया तो ये देश जिस तरीके से रसा तल में जा रहा है उसी तरीके से यह धरातल में इतना पतन हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति इस देश का जो नागरिक आज आज़ादी में सांस ले रहा है ना वापस गुलामी में चला जाएगा हमें इस देश को बचाने के लिए इस देश का संविधान बचाना है क्योंकि भारत के संविधान को मिटाया जा रहा है उसके अंदर संविधान के अंदर कानूनों के संशोधन करके उस संविधान को बेअसर बनाया जा रहा है और इसकी चिंता हमारे देश के अधिवक्तागण करने लगे हैं हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग करने लगे हैं प्रोफेसर लोग करने लगे हैं अध्यापक लोग करने लगे हैं तो आप कब जागेंगे आप अपना फ़र्ज़ निभाएं और ई का पुरजोर विरोध करें आप क्योंकि ये जो ई है ये इस आधुनिक युग की मनुस्मृति है जिसने हम लोगों को इस भारत के मूल निवासियों को ग़ुलाम बना के रखा इस देश की महिलाओं को गुलाम बना के रखा और तमाम सिस्टम को ग़ुलाम बनाने के लिए ये हिंदू राग अलाप रहे हैं आप लोगों ने इनकी बकवासों में नहीं आना है यही गुज़ारित मेरी अंत में भी है और शुरू में भी थी और मध्य में भी थी और हमेशा यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग सजग रहें सावधान रहें और अपने फर्ज के प्रति ईमानदार रहें अपने ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप अपने मत का सही प्रयोग करें नमस्कार सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें